भाई बहनों सबको जय जीसु। मैं आज आपसे स्टिग्माटा के बारे में बताना चाहूंगा। स्टिग्माटा जो मनुष्य को प्रभु अपने पीड़ा सहन का एक झलक अनुभव करने देता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर शिष्यों के सभी कार्यों को चमत्कार और चिन्हों के द्वारा प्रमाणित करता रहा। हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के मरण दुखों को मरण के बाद प्रभु के शिष्यों के हर एक कार्य को चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा ईश्वर प्रमाणित करता रहा। इस तरह मनुष्यों को प्रभु एक वरदान देता है कि हम भी ईश्वर के चिन्ह और चमत्कार पहचाने। स्टिग्माटा एक ऐसा वरदान है जो प्रभु यीशु के दुख भोग का झलक किसी चुने हुए व्यक्ति के शरीर में बाहरी रूप से प्रकट होता है। प्रभु यीशु के 5 घाव दोनों हाथों पर, कीलों का निशान पैरों पर और यहां बगल में, 5 घाव मनुष्य के शरीर में भी जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु जिसे चुनता है उसके लिए प्रभु ये अनुभव करने देता है। ये बहुत पीड़ा सहनीय है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है। प्रार्थना करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु के दुख भोग के बारे में मरण चिंतन करते समय, उस पीड़ा सहन के बारे में सोचते वक्त असह्य पीड़ा से कराहना होता है। यह प्रभु का चर्च से, कलीसिया इसे मानती है। कलीसिया इसे प्रभु के चिन्ह और चमत्कार के रूप में जो मनुष्य को प्रभु देता है उसे स्वीकार करती है। सबसे पहले संत फ्रांसिस असीसी को ऐसे स्टिग्माटा हुआ था। 50 साल बाद पादरी पियो को इस तरह के स्टिग्माटिक अनुभव मिला था और कई सारे लोगों को इस तरह के स्टिग्माटिक अनुभव मिलता है और वैज्ञानिक और वैद्य इसकी जांच करते हैं और इसे पारित भी करते हैं, इसे अपनाते हैं और इसे अप्रूव करते हैं। भारत के संत मरियम थ्रेसिया को भी ये अनुभव मिला था, जिसे पिछले साल 2019 में संत घोषित किया गया। संत मरियम थ्रेसिया को भी यह स्टिग्माटा का अनुभव हुआ था। लोग इसे बाहरी रूप से देखने को मिलता है, प्रभु यीशु के 5 घाव दोनों हाथों पर, पैरों पर और बगल में 5 घाव और कांटों का मुकुट, रक्त बहने लगते हैं, रक्त बहते हुए और घाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये ऐसा अनुभव और कहीं से इसे मानती भी है और हमारे लिए विश्वास के लिए प्रेरणादायी है। ये प्रभु का कार्य है। मैं आपको एक फादर के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है जेम्स मानाकल MSFS। उनको भी यह घाव प्रकट रूप से दिखाई दिया है और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा ताकि आप सब विश्वास में आगे बढ़े। फादर जेम्स को 1993 से लेकर यह स्टिग्माटा का बाहरी रूप से प्रकट होना, दिखाई देना शुरू हुआ था। और फादर तो बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। फादर तो हमेशा रिट्रीट प्रीचिंग के लिए, वचन सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक सच्चा प्रभु का भक्त है जो दूसरों को, उन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए, कई बार लोग उसे प्रताड़ित किया गया, तभी लोगों को क्षमा करता रहा। फादर को एक बार गिलनपारी नामक रोग हुआ था और डॉक्टर्स का मानना है गिलनपारी रोग जिसे लगता है वो भी बड़े होने के बाद फिर बचना मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने बचा कर रखा और प्रभु ने उन पर चमत्कार किया। 1993 से लेकर 2012 दिसंबर 21 तक लगातार फादर को यह अनुभव मिलता रहा। महीने के प्रथम शुक्रवार के दिन हमेशा ये अनुभव मिलता रहा। फिर फादर ये रोगाग्रस्त हुए थे
उसके बाद 2015 से फिर ये आना शुरू हुआ। 2018 के गुड फ्राइडे के दिन फादर को यह अनुभव हुआ और प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में मन चिंतन करते समय और लोगों के लिए प्रार्थना करते समय बहुत पीड़ा के साथ करा उठा, ए मेरे प्रभु, ए मेरे यीशु। लोग उनके पास आ गए और पूछे क्या हुआ। तो फादर को इतना तकलीफ होता है कि लोग फिर उसे अस्पताल में भी ले गया, डॉक्टरों को भी पूछा। ये सच्चा अनुभव बहुत सारे लोगों को देखने को भी मिला। यह प्रभु का बहुत बड़ा वरदान है। और सच्चाई की बात यह है कि फादर इसे लोगों को प्रकट रूप से बताना नहीं चाहता। फादर समझते हैं ये मेरे लिए प्रभु द्वारा दिया गया दुख और पीड़ा का समय है और ऐसा अनुभव है ताकि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। फादर लोगों को बताना भी नहीं चाहता है। यह अनुभव हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए प्रेरणादायक है, इसलिए मैं आपसे बताना चाहा। यह हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हर एक चिन्ह और चमत्कार जो बाहरी रूप से, प्रकट रूप से दिखाई देता है, हम उस पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के करीब विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहा। गलातियों के नपत्र अध्याय 6 के 17 में हम पढ़ते हैं, पौलुस भी कहते हैं कि अब कोई मुझे तंग ना करे, प्रभु के दुखों का रहस्य मेरे शरीर पर अंकित हुआ है। अब कोई मुझे तंग ना करे, प्रभु यीशु मसीह के दुखों और पीड़ा सहन का रहस्य मेरे शरीर पर अंकित हुआ है। तो इस तरह के चमत्कार और इस तरह हम जो भी प्रभु के लिए सहते हैं उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा में प्रवेश करते हैं। प्रभु के साथ दुख भोग सहना, प्रभु के साथ पीड़ा सहन को झेलना हमारे लिए रक्षादायी है। लोग बहुत सारी बातें करते, मुझे प्रभु यीशु का दर्शन मिले थे, प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा कहा, ऐसा होने वाला है, ऐसा घटित होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें। ये हमारे विचारों पर निर्भर रहता है, लेकिन इस तरह स्टिग्माटा जो बाहरी रूप से लोगों को दिखाई देता है, प्रकट रूप से दिखाई देता है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। विशेष हम फ्रांसिस असीसी से और पादर पियो से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस तरह के अनुभव मिले ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। और जब ये सहना मेरे लिए होता है, प्रभु के दुखभाव में सहभागी होने का मौका मिलता है। हमारे जीवन के हर एक संकट, हर एक दुख, हर एक परेशानी, रोग, ये सब हमें प्रभु के पास ले जाएगा, ये सब हमें प्रभु के करीब लाएगा। तो इस तरह की बातें हम देखें, प्रभु के साथ दुख सहने को हम भी तैयार हो जाए ताकि हमारी मुक्ति निकट हो, ताकि हमारी मुक्ति निकट हो। कलीसिया हमें यह बताती है कि दुख सहन और पीड़ा के द्वारा ही हम महिमा में प्रवेश करेंगे। दुख सहन और पीड़ा के द्वारा ही, कष्टों को झेलने के बाद ही हम महिमा में प्रवेश करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, हम भी आज ये मन अपने विचार ठान ले कि हम भी प्रभु की संगति में दुख संकट झेलने को, जीवन के दैनिक दुख, प्रवेशु ने भी यही कहा, अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर, दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर तुम मेरा अनुसरण करो। हम भी प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के दुख संकट और दुख भोग में भागी हो जाए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, शक्ति और आशीष मिल जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा और सर्वदा। आमीन।